हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं और वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अभी जी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी ज्वेलरी कलेक्शन। और मेरे पास ज्वेलरी का जस्ट यही एक बॉक्स है, तो अभी जो है ज्वेलरी इसको देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले बारी है इसकी। और ये है जी मेरे पास दो कड़े, और ये मामा लेकर आई हूँ मियाँ। और नाजिका और कोमल के भी थे लेकिन इन्होंने पहन कर वेस्ट वूस्ट भी कर लिए होंगे अब तक, लेकिन मेरे पास ये अभी तक पड़े हैं। अब समर आ गया तो इनको पहने। उसके बाद बारी आती है जी ये बिंदिया की। ये बिंदिया जो है ना, ये मेरी मोस्ट फेवरेट है, लेकिन ये मेरी अपनी नहीं है, ये कोमल की है। ये मैंने अपने उत्तर पे भी लगाई है, उसके बाद दो तीन जगह पर और लगाई है, और ये मैं जितनी बार मर्जी लगा लूँ मुझे अच्छी लगती है। और इस वजह से ना अब मैंने ये इसे लेके फिर रखी हुई है, मैंने कहा अपनी शादी के बाद ले लेना, तो इस वजह से ये तब तक जिंदा बचेगी तो ले लेंगे। नहीं बच जाएगी, अगर अभी तक बची हुई है तो तब भी बच जाएगी। कोई होती है ना चीज आपको मोस्ट फेवरेट लगती है तो आप बार बार पहनना पसंद करते हो, ये भी मेरी उनमें से एक है। हालांकि मेरी नहीं है लेकिन फिर भी मुझे पसंद है ये। और जब यानी के ये ली थी मैंने व्हाइट कलर में ली, इसने और नादिया ने सेम ली थी। इनको बोला था ये वाला शेड ले लें, इन्होंने तब ली नहीं। क्या है जी, मैंने तुम लोगों के साथ मैचिंग नहीं करनी इसमें। और इसके बाद ये है जी एक ब्रेसलेट, और ये मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया, और ये अभी तक हमने यूज नहीं मैंने किया पहना, और ये इसी तरह से अभी तक मेरे पास अनटच पड़ा हुआ है। ये इयररिंग्स ये भी जो है ना ऐसे ठीक है, फिर कल वही वही निकले फायदा। ये झुमके ये भी ना मुझे बड़े पसंद है, ये मैंने अपने उपटन पर इनको बाय किया था, और ये भी मैं तीन से चार बार पहन चुकी हूँ, और ये मुझे इतने ज्यादा पसंद है ना लाइक वो बिंदिया। और वैसे देखा जाए तो ये भाई बहन ही लगते हैं, मैच मैच हैं थोड़े थोड़े, है ना। ओ जो भी ऐसे, तो ये मैं जितनी बार मर्जी पहनूं ये भी मुझे बड़े पसंद है, मैंने संभाल के रखे हैं। मैं कभी कभी ऐसी ज्वेलरी मिलती है जो आपको पसंद आती है, वरना मोस्टली जो होता है मुझे पसंद नहीं आती, लेकिन ये भी मेरी फेवरेट है। और नेक्स्ट है जी ये, ये भी अभी तक मैंने वेयर नहीं इनको किया, और ये मुझे कोमल ने गिफ्ट किया है। नहीं नहीं, नादिया आप ही ने किया है, उनकी शादी से पहले उन्होंने लिए थे। अच्छा। आपके और उनके सेम है और मेरे थोड़े डिफरेंट है। तो मेरे स्किन नहीं नहीं, मेरे स्किन कलर में है, आप दोनों के येलो हैं। ये भी बड़े प्यारे हैं। इनके ड्रेसेस एक जैसे थे तो इन्होंने एक जैसे लिए थे, तो मेरे यार भी वो ड्रेस वेयर कर लिया लेकिन वो मेरा अब तक पड़ा, और मेरा वो जो ड्रेस है ना इन दोनों की उस पर नजर है। मेनू दे दो भी है। वेलो मैं महल्ले में मांग रही हूँ, मेनू दे दो। मैं इनको देने वाली नहीं, मुझे खुद वो बड़ा पसंद है, वो मुझे दे दे बस। नादिया का भी वैसा था लेकिन फर्क ये हुआ कि स्टाइल उसने जो बनवाया डिजाइन वो डिफरेंट था, जो मैंने बनाया वो डिफरेंट था, इस वजह से मैं अभी भी वो मांग रही हूँ कि वो मुझे दे दो। वो नहीं मिलना, मैंने खुद अब समर का ही, बल्कि समर में पहने। हाँ जी अब पाके दे देना, कुछ नहीं होता, मैं पाया ले लांगी। इसके बाद बारी आती है जी ये कोमल बताएगी अब। ये है हमारे एक जैसे तीनों के, हम लाए थे अपने समर ड्रेसेस के साथ वो जो है, और लेकिन समर ड्रेसेस के अलावा हमने हर ड्रेस के साथ पहने हैं, उसके साथ मैंने वेयर किए हैं, मुझे लगता है थोड़ी देर ही पहने थे बस, सिर्फ थोड़ी देर, थोड़ी देर, उसके अलावा उतार के बाकी हर ड्रेसेस के साथ पूरा पूरा दिन चलाए हैं, पूरा पूरा दिन चलाए। फिर जी आ जाता है नेक्स्ट, ओहो उसमें और भी था, ये कड़ा है,
और ये भी ये कोमल ने दिया हुआ है गिफ्ट, और ये हम तीनों का सेम है, और ये हम लोग जब रिसेंट मरी गए थे मरी से लेकर आए हुए। नेक्स्ट जी ये है, ये हमें ये, कुछ इतने खास पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, मजबूरी ये थी कि हमें वाइट मिली नहीं थी रही, कहीं नहीं मिले, आ जाके सिर्फ ये मिले और ये हमें कुछ ठीक लगे, बस गुजारे लाइक। वेयर किए थे तीनों ने अपनी साड़ियों के साथ, लेकिन ये है कि हमें तब व्हाइट में मिला ही कुछ भी नहीं था। फिर हमने ना अपने व्हाइट नेकलेस जो है वो निकाले, पर मामा ने कहा अब जो लाई हो ना वो ही पहनो, तो फिर हम लोगों ने ये पहन ली। ये हमें हमने तकरीबन पूरा हफ्ता पूरा मार्केट घूमा, हमें व्हाइट में ज्वेलरी नहीं मिली, ये एक तो रह गया। ए जी जी हार्ट लॉकेट, ये भी मरीज से आया हुआ, ये जब नादिया कोमल अली वगैरह गए थे ना ये लेकर आए थे तब। ये मेरा और इनका और सेम है और नादिया भी का थोड़ा डिफरेंट है, और ये भी मेरे पास, ये मेरी समर ड्रेस से मैच है, उस समर ड्रेस में पहन लेंगे इस बार, सारे चीजें समर ड्रेस के साथ ही पहनी जाएंगी। उसके बाद बारी आती है जी ये रेड एयरिंग्स, ये भी बड़े खूबसूरत है, एक सेकंड इस तरफ घुमा लेती हूँ रॉन्ग साइड पे ये, और ये भी मुझे बहुत पसंद है, और ये मुझे गिफ्ट मिला हुआ है कहीं से, ईद पर गिफ्ट आया था और ये गिफ्ट मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है, पसंद इतना है लेकिन पहनना नहीं है अभी तक, ये मेरे पास पड़ा हुआ है। नेक्स्ट जी ये रही हमारी ज्वेलरी, इसमें ना काफी चीजें, यस ये इसमें ये वाले एयरिंग, और ये सेट ना हमें पापा ने लेके दिए थे ईद पर मुझे और नादिया को, तब कोमल अभी छोटी थी तो मुझे आज तक कुछ नहीं लेके दिया, और मेरा ये शिकवा उनसे हर बार रहता है। पापा ने लेकर दिए थे, और इसका जो लॉकेट है ना वो मेरा टूट गया, वो गले में लग यानी के पहना हुआ था, आंटी मेरी या उनका वलीमा था, एक गाड़ी में हम 8 लोग जा रहे थे, मतलब 4 सीट पर 4 सीट वाले के ऊपर बैठे हुए कार में, तो वो मेरा ना टूट गया था, लेकिन ये अभी तक मेरे पास मेजोरिटी ज्यादा हो गई थी ना, तो फिर जैसे सीट्स मिली बैठे, फिर कार में जैसे एडजस्ट हो सके हम बैठ गए थे, वो भी मामू की हिम्मत ही उन्होंने एडजस्ट करवा लिया। फिर इसके बाद जी ओहो एक मोती किसी चीज का, एक ये रिंग है, इसके अलावा एक रिंग ये है, एक ये रिंग है मेरे पास, और ये जो आपके पास ग्रीन कलर है ना इसी कलर में एक रिंग है सुकलैन भाई के पास, वो है चकोर में, बहुत प्यारी है, बड़ी प्यारी है, हाँ ये कलर बड़ा प्यारा है, सुकलैन भाई के पास भी, सुकलैन भाई को भी रिंग्स का बड़ा शौक है, उसके पास जो है ना वो भी बड़ी प्यारी है, मैं जब भी कहती हूँ कहती भैया आपकी वो रिंग बड़ी प्यारी है। और इसके अलावा जी ये है ब्रेसलेट, ये भी बड़ा प्यारा, और ये ब्रेसलेट जो है ना ये मामा ने मुझे और कोमल को लेकर दिया था, नादिया के पास ऑलरेडी गया था, नादिया की तरफ देख के ये मेरे मामा को बोला कि हमें नहीं पता हमें ला के दो, और नादिया जो है ना उसको उसकी फ्रेंड की तरफ से ईद पर गिफ्ट आया था, और वो अभी तक कहती है हो ना नु लेता सी मेनू लेके क्यों नहीं दिता, तो उसके पास है ना हमने तो उसको कॉपी किया, तो उसको हम कहां से लेके देते। इसके बाद जी ये है मेरे पास एयरिंग्स, और ये मैंने लिए थे अली की शादी पर, बरात ड्रेस के साथ अपनी अली की शादी पर, बरात ड्रेस आपका और मेरा सेम कलर सेम था, सही हाँ। आपका और मेरा कलर सेम था ड्रेस का, तो उसी पर लिए थे। इसके अलावा जी होए ये है, ये हमारा मार्केट में झगड़ा हुआ था, ये मैंने हाँ ये जब मैंने लिए ना तो कहती है मुझे गिफ्ट कर दो, ये हमारा मार्केट में ही झगड़ा हो गया था, पसंद है तो क्यों, ये भी बड़े प्यार, और उसके पास एक ही पेयर था, एक ही पेयर है, तो ये हमारा मार्केट में ही झगड़ा हो गया, हम घर तक झगड़ते ही आए, ये मुझे बातें सुना रही है, मैं इनको मैंने इसको बॉक्स को यहाँ रखती हूँ ताकि ज्वेलरी इजीली आए। उसके बाद जी नेक्स्ट है मेरे पास ये, ओहो स्टक हो गई है,
एक एक पेयर निकाल। ये इतने प्यारे हैं ना, जब हम अली की शादी पर ये पहने ना, वेयर किए हम लोगों ने, और ये बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। और जब हमने अली की शादी पर ये वेयर किए ना उधर पार्लर में, तो जो देखे वो के बहुत ही प्यारे बने हैं। आप लोगों ने कहाँ से बाय किया? हमने कहा मार्केट से बाय किए, और कहाँ से करें? लेकिन ये वाकई बहुत प्यारे थे। जो है ना वो उधर ये पीछे से टूट गया था, फिर उसको पता नहीं किस तरह आके कोमल ने सेट करके दिया उसको ना, फिर डबल वो लगी थी। हाँ। वो नहीं होती पीछे, क्या लगाते हैं, पोली या जो भी बोलते हैं हम, उनका कलर जरा खराब। हाँ, जैसे का वैसे ही है, पैसे लगे हैं वैसे के वैसे ही है, और बहुत खूबसूरत। तकरीबन 5 साल हो गए हैं तो माशाल्लाह। अली के बच्चे भी ना अली की तेल में भी हमने पहने थे, और बल्कि तेल में दिखाई गई, इसका झगड़ा हो गया वहां पर, कोई कस्टमर आए रेडी होने के लिए, तो हमने ना साथ में, हमारे ड्रेस वाकई बड़े प्यारे थे, लेकिन साथ में ना हमने ट्राउजर बना लिए, शरारे गरारे ना बनाए, क्योंकि हमने नकाब पे पहने थे। फिर उसके बाद गरारे थे, इस वजह से ना हमने कहा नहीं ट्राउजर के साथ फ्लैपर जाने दो। तो वो कहती लो इतने प्यारे कपड़े, इतना कुछ प्यारा पहन के, तो तुम लोगों ने ये फ्लैपर बनाए। तो मैंने उनको बोला आपको क्या मसला है भाई, पहनने हमने है, जब हमें मसला नहीं है आपको क्या है। तो आपको क्या अच्छी खासी मेरी उसके साथ बहस हुई, तो फिर जब वो चलेगी ना तो पार्लर वाली कहती अच्छा किया, ये जिसके साथ आती है ऐसे ही झगड़ा करती है, पहली बार इसको किसी ने जवाब दिया आगे से। That's why. और मुझे उनका बोलने का स्टाइल बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बंदा पूछे जिन्होंने पहनना उनकी मर्जी, वो जो मर्जी पहने। और वो टोंट भी तो ऐसे मार रही थी कि अगले बंदे को गुस्सा आ जाए। खैर ऐसा भी होता है। और अभी नेक्स्ट जी इसकी बारी। अच्छा ये क्या निकालनी है बाद में, ये ना गोल्ड की बन, गोल्ड की नहीं आर्टिफिशियल, तभी ये न्यू आई थी। हाँ, मैंने इनको इतना कहा ना लो नहीं लेनी है, खुद तो ली, लेके दी एक बार नहीं पहननी, वैसे ही पड़ी है। वैसे हमारा मैंने जब भी इसको पहना, मैंने इसको जब भी पहना ना, मैंने हाथ में एज अ ब्रेसलेट पहनना इसको। हाँ तो वैसे डबल पहन भी सकती हो, वैसे डबल चेन करके ना इसको मैंने हाथ में ब्रेसलेट पहनना। ये बुरी बनी है, बनी प्यारी हुई है, ये तब न्यू आई थी। हम चीज तभी ले लेते हैं जब न्यू आती है, लेकिन पहनते नहीं है, और जब पहनते हैं तो वाम समझती है, लगता है लेती है, उनका ट्रेंड निकल गया, उन तानू की पता सी कि दो दी लेती हुई है। जी नेक्स्ट बारी है जी, ये है मेरे पास रिंग्स दो, ये कोमल वगैरह लेकर आई हुई है ना। हाँ, मेरे पास इसमें मल्टी शेड में है, मैंने खुद ली हुई है, और आपी की पता नहीं किस कलर में है, नादिया आपी की, वो नहीं मुझे याद। अच्छा ये सारी ज्वेलरी जो है ना मेरी शादी से पहले की है, शादी के बाद बहुत ही कम ली है। शादी के बाद वही ली है जो मैंने ली है, और किसी ने कुछ नहीं लिया। तो शादी से पहले ज्यादा बंदे को होता ना, उसके बाद ये लिया था, ये हम गए थे किसी दरबार, बीबिया पाक दामन, वहां से लिया था, वहां से लेकर आए थे हम लोग तीनों का, कोमल का, नादिया का और मेरा। ये बहुत प्यारा पहना हुआ, बहुत प्यारा लगता है, इसके साथ कितना मैच हो रहा है। मेरे भी एक सेट के साथ ये बड़ा मैच होता है, मैंने पहना भी था, आई थिंक कब पहना था मैंने, उसके बाद जी नेक्स्ट है, आई थिंक मामू आमिर के वलीमे पे पहना था मैंने। ये नेक्स्ट मेरे पास है, ये सहारे वाले, ये भी बड़े प्यारे है और पनाने हैं। वो कहते हैं ना बड़े प्यारे हैं लेकिन बड़े पुराने हैं, ये वो हिसाब है। और इस पर भी ना ये सहारे वाले हैं लेकिन अच्छे नहीं, लेकिन ना जब ये आए थे ना न्यू, तो इनका पता नहीं क्या टूट गया, तो ये इतनी शियार है, मुझे कहती लो तुम ले लो। जब मैंने लेके इसको जोड़ लिया तो वापस कहती चलो मेरे वापस करो। और ना एक चीज ये भी है, मैंने और मामू यासिन में बड़ी मुश्किल से, लेकिन ये कह रही थी ये भी दे दो, मैं कह यहाँ तो वो या ये, उसके बाद ही मैंने इसको दिया। मैंने और मामू यासी ने बड़ी मुश्किल से जोड़े थे ये, और जब जोड़ लिए तब लेके भाग गए। ये भी मैंने अभी तक पहनी नहीं, और ये भी यही लेकर आई हूँ मैं नादिया को। मैं ये हम चाइना स्क्रीम से 40 रुपए की लाए थे। फिर उसके बाद जी मेरे पास है ये झुमकी, ये भी प्यारी है। मेरे पास भी एक है। हाँ, वो भी बड़ी प्यारे अच्छे हैं, लेकिन आई थिंक वो मैंने रखे हुए अलग से, yes. वो
अलग से पड़े हुए हैं, वो मैं कैजुअल में कभी कभी वियर करती हूं। इसके अलावा ये भी इसमें मल्टी मल्टी काफी चीजें मैंने एक एक में रखी हुई है। ये मेरे पास है दो ब्रोच, नहीं नहीं ये ब्रोच है बटरफ्लाई वाला, ये बाय किया था हम लोगों ने रिसेंट जब गए हैं मड़ी से अपनी साड़ियों के साथ। मेरा और नादिया का सेम है, कोमल का डिफरेंट है, मेरा फ्लावर बुके बना हुआ, फ्लावर बनाई है बटरफ्लाई। हालांकि मुझे यही अच्छा लगा था, बाद हमें साड़ियों के साथ दिल नहीं किया, सूट नहीं किया तो नहीं लगा। हाँ साड़ियों पे सूट नहीं था किया वो, और ये अजीब लग रहा था। ये हेयर के लिए हेयर पिन, ये भी मैंने ली हुई है लेकिन लगाई मैंने आज तक नहीं। नहीं एक बार लगाई है, पागल नहीं लगाई, लगाई है मुझे याद है लगाई है, नहीं लगाई, लगाई थी वो मामा ने जो लेके। आपसे ज्यादा ना आपकी चीजें मुझे याद है, मेरे पास भी है ये अभी तक, मेरे पास भी है अभी तक हेयर वाली ससुरी, ये भी अभी नहीं लगाई हुई लेकिन मेरे बालों में लग जाएगी, बाल ठीक ना इस बार लगाएंगे ये हल्के से वो करके लगाने वाली जो है वो। और ये है जी पजीबी, ये मेरी शादी वाली तो नहीं है, वो तो बड़ी हैवी और प्यारी। हाँ जी जी ये और ये वो ले ही नहीं थी रही, कहती नहीं ये मामू शहजाद की, नहीं नहीं मामू शहजाद की, मामू शहजाद की शादी की है, मामू शहजाद की शादी की है तब की है। ये एज अ नेक डिजाइन भी पड़ सकती है। हाँ अगर पहनना चाहे, मेरे पास भी है पहनने जा सकती, प्यारी लग रही। मैंने अपने बड़ी चीजें ऐसे ही की हुई है री न्यू। ओके जी ये होगी। उसके अलावा ये है, ये मैंने खुद बाय की हुई है और ये भी बहुत खूबसूरत है और ये आज तक कोमल देख लो खराब नहीं हुई। ये सही जिसको प्योर मोती बोलते हैं ना, ये वो वाली है क्योंकि इन्होंने आई थिंक ज्वेलर की शॉप से ली थी। और मेरी तब शादी भी नहीं हुई थी, शादी से भी कोई मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले की बाय की है, वैसे अच्छी लग रही है ऐसे भी अच्छी लग रही है, गले में तो लगती लगती ऐसे भी प्यारी लग रही है, ऐसे भी लग रही है आपको। हम साल में आइडियाज भी दे रहे हैं, ज्वेलरी तो दिखा रहे हैं साल में आइडियाज भी। और जी नेक्स्ट भाई है ये जी गिफ्ट है, गेस तो आपने कर ही लिया होगा एज यूजुअल इट्स मी। गिफ्ट है ये मेरा और आपी का राउंड में है, इनका चकोर हाँ, मेरा चकोर में है नादिया का और क्योंकि एक शॉप से हमें 3 मिले नहीं थे तो हमने भाई को बोला भाई कहीं से अगर अरेंज कर दो तो उन्होंने बोला आपी राउंड में तो नहीं मिलेगा ऐसे मिल जाएगा तो इन्होंने बोला ये वाला फिर मैं ले लूंगी। यस इसके बाद जी इसमें भी मल्टी ज्वेलरी है। ओ शिट अच्छा जी ये भी है ये भी इयररिंग है और ये भी मैंने अभी तक नहीं पहने। मैंने और आपी नादी ने एक बार पहन लिए हुए हैं, तीनों सिस्टर्स के सेम। उन्होंने आई थिंक अपने मकलावे पे ड्रेस के साथ एज इट इज मैच थे उन्होंने तब पहने थे हाँ, और मैंने अपने समर ड्रेस के साथ आई थिंक एक रिंग ये है एक ये है ये मैंने अपनी शादी पर ली थी अपने ड्रेस के साथ मोर बनी थी। आगे से नजर नहीं आएंगी चीजें यहाँ रख देती हूँ। उसके अलावा जी ये भी 2 रिंग्स है मेरे पास, ये भी हम तीनों की सेम है और ये भी सेम है सिर्फ कलर चेंज है भी, मतलब सबने अपने अपने ड्रेस के हिसाब से कलर लिया होगा। अच्छा जी हमारी काफी चीजें सेम होती हैं, ये भी तीनों की सेम है। नहीं 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 ये मेरी और नादिया की डिफरेंट है और सेम नहीं है। नहीं अच्छा नहीं चलो ठीक हो ऐसी चीजें नहीं मैं भूलती आपको पता मैं तो भूलती हूँ ना मैं दूसरों की ना भूलू अपनी कहाँ से भूलने लगी। यस इससे आधी ज्वेलरी जो है ना वो मेरी ज्वेलरी कलेक्शन में भी हो हाँ ये भी हम तीनों सिस्टर्स के सेम है और ये हम लोगों ने लिए थे मरी से यस अब जब हम रिसेंट गए थे और मम्मा से इतनी गालियां पड़ी थी हाँ मम्मा बड़ी गालियां दे रही थे कहते हैं लो तुसी उत्थे भी ज्वेलरी ते डिगो इत्थे भी ज्वेलरी ते डिगो
लेकिन कपड़े वहां पे अच्छे नहीं थे, पता नहीं किस वजह से। हालांकि तो इतने हाई रेट और अच्छे भी नहीं कपड़े। हालांकि हम पहले जाते रहे हैं और हमने वहां से शॉपिंग भी इतनी बार की है, इतने प्यारे प्यारे होते हैं, लेकिन इस बार वहां पे कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और जो हमें पसंद आया एक दिन तो अली भाई ने लेने नहीं दिया, जब नेक्स्ट डे लेने गए तो मिला ही नहीं। उन्होंने कहा आप ही, उसके अलावा सेल हो चुका है। ये देखे ये भी ना बहुत खूबसूरत है, ये सहारे वाले बने हुए हैं। और नादिया के जो है वो इससे भी ज्यादा प्यारे थे मल्टी में। और ये भी पापा ने लेके दी है। हाँ दोबारा से दिखाओ ऐसे विद मी। और ये बहुत खूबसूरत है और नादिया के मल्टी में थे, जैसा कि मैंने बताया नादिया की एक फ्रेंड है उसने पहने देखे, उसने इसको कहा कि मुझे दे दो मैंने पहनने हैं। उसके बाद जब वो आए ना तो उनका बुरा हालात वो खराब हो गए, फिर फेंकने पड़े थे वो खराब हो गए, फेंकने पड़े। जनरली इससे भी ज्यादा प्यारे थे वाकई, वो बहुत खूबसूरत है, इससे ज्यादा खूबसूरत। वो सारी उनके मोती, हालांकि एक रात के अंदर सारा मोती उतरा हुआ, ज्वेलरी कलर खराब, बीच में से कुछ टूटा कहीं से कुछ, वो उनकी बैंड बजी हुई थी। ओके जी तो नेक्स्ट बारी है, ओपन हो जा, ये क्यों नहीं हो रही ओपन, ये अच्छा, ये बिंदिया और एयरिंग्स सेम है, ये मेरी तेल मेहंदी की ज्वेलरी है। अभी हमने इनको फ्रेश ज्वेलरी का बोला था, इन्होंने कहा नो, इन्हें पैसे ला के बर्बाद करना बेहतर है मैं कोई चज दी ले लूं। इसको क्या हो गया, फ्रेश जो होती है वो तभी पहनो और तभी मुरझाना शुरू हो जाती है। ये मेरी तेल मेहंदी की, तो इन्होंने फिर वो नहीं थे ली, साथ पहने थे इसके साथ, ये सेम बिंदिया भी जो है ना बिल्कुल सेम ही है। इसको सही, उसके बाद ये देख, ये मेरा और कोमल का सेम है या, और नादिया जो है उसका डिफरेंट है। अभी वो साथ गई थी लेकिन उसका ज्यादा खूबसूरत था, राउंड में है, बहुत प्यारा। और ये खाली ये थे, ये अलग से मैच किए हुए हैं, इस वजह से ये डिफरेंट लगते हैं, ये अलग है ये अलग मैच। मैंने इसके साथ अपने स्किन पहने थे ना, वो बड़े बड़े पहने थे ऐसे, वो मैच हो गए थे। इसके अलावा मेरे पास, आपने भी सिल्वर काफी जमा, गोल्डन की हुई है, और मैंने सिल्वर ज्यादा जमा की हुई है। इसके अलावा मेरे पास ये इयररिंग्स है क्यूटू से, ये इन्होंने अपनी शादी की शॉपिंग में साथ लिए थे ड्रेसेस के साथ, और मेरे ख्याल में पहनने कोई नहीं पहने, और कलर खराब होता जा रहा है ना। नहीं देखे नीचे उनकी जो वो, ये देखे ये जो नीचे है उनका कलर फेड होता है। इसके अलावा ये जी सहाने हैं तीनों के, वैसे रैंडम लेके रखे हुए हैं कि कभी जरूरत बंदे के हैवी ज्वेलरी हो जो ना पहनी जाए तो उनके साथ एडजस्ट हो जाए। ये जी सेट है बना नादिया की तरफ से, नादिया की तरफ से है ये। आउच आप सही है, सारा कुछ गिराई जा रही है, गिर गए एक मिनट, टूट गए ना, इल्जाम नहीं देना फिर। नो नो गिर गया ना बस, ये देखें ये भी उनकी शादी से पहले के हैं, उन्होंने हमें मेरे ख्याल में मैंने कौन से लिए थे, ऐसे नहीं लग रहा है जैसे नीचे वो ब्लूबेरीज हो। और ये अब जो है ना ईद पर पहन लेंगे, क्योंकि जो मेरा ब्लैक ड्रेस मैंने बनाया उसके साथ मैच है, मैच है ये, अभी तक ये पहना नहीं हुआ, और ये मेरी शादी से भी पहले का है। हाँ जी तब लेके लिए थे, हाँ जी तभी लिए हैं, से पड़ा हुआ। एक बात तो बताएं, आपने हमें क्या लेके दिया। ना ये खुद बाय करती है ना किसी को देती है। मैं नहीं ज्वेलरी वगैरह नो, मेरे हस्बैंड ने वो एक सेट लेके ली, तो वो भाई ने लेके दी है ना, आपने थोड़ी, कहाँ पर आपको पता होगा। अच्छा जी इसके अलावा ये भी ना एवे ले ली हुई थी, दो बिंदिया ले ली हुई, ये मैंने वो जो आपको आगे ये दिखाए हैं ये बिंदिया, हाँ ये वाली बिंदिया इसके साथ यस। और ये बिंदिया जो है ना ये भी मैंने अली की शादी पर लिया था, ये बिंदिया इसके साथ है, ये अली के वलीमे पे मैंने बाय किए थे।
ये तो तरीके वलीमे की ज्वेलरी। नेक्स्ट है जी, जितनी हमारे पास ज्वेलरी है ना हम शॉप खोल सकते हैं। अच्छा, देखने में लग रहा था ना कि ज्वेलरी मेरे पास है ही नहीं, एक बॉक्स ही है। ये देखे, ये कितनी प्यारी रिंग है। छतरी छतरी मुझे नहीं ये पसंद है, पागल प्यारी छतरी हुई है, ऊपर को ऐसे हाथ ही टुंडा सा हो जाता है। तुम्हें बड़ा पता थी। हाँ जी जी, ये देखे जी ऐसे ही, ये मेरी पसंद है। ये मेरी है, ये मैंने अपनी बरात वाले दिन अपने लहंगे के साथ। अब दिखाओ क्लोज से, ये पायल है। ये मैंने इनको तब बोला लो लो ले लो, तो आगे से कहती है मैंने तो नहीं लेनी, तो मैंने मम्मा को दिखाया, मम्मा कहते इतने प्यारे तो हैं नखरे की सवार गया ले लो। ये असली हुई है, बहुत खूबसूरत है। मैंने इनको बोला एक मुझे दे दो एक खुद रख लो, इनके लॉकेट बना लेते हैं। बने हुए हैं मल्टी टॉप्स हैं छोटे छोटे, अगर कहीं जाना हो थोड़े बहुत चाहिए तो कानों में कुछ हो ना, होने से अच्छा कुछ हो तो ये पहन लो। अच्छा जी, उसके बाद है दिस वन, इसमें ओहो एक होता है ये भी मेरा बहुत पुराना है, इतना भी पुराना नहीं है। पागल अली की तेल मेहंदी का, हाँ ये पार्लर वाली को इन्होंने दिखाया ही नहीं कि मेरा ये है चोकर, तो उन्होंने क्या किया इनका जूड़ा वगैरह हेयर स्टाइलिंग जो करनी थी कर दी उन्होंने ना, इनका काफी बड़ा सारा जूड़ा किया। जब वो दिखाया वो डाले ये डले ना, फिर उन्होंने जुगाड़ लगाया इसको कटिंग किया। अब बस सही हुआ, वो फंसा हुआ था उसको काफी टाइम से पड़ा ना, तो देखो जरा कटिंग करके उन्होंने फिर इनके पहनाया था। ये कुतरा हुआ है वो मेरे पास है, ये देखो आउच ये पड़ा। एक तो सारा कुछ तो सट ही जाए आज। और ये जी ये बिंदिया मैंने ये ली थी, और इन लोगों ने वो जो मैं आपको कोमल वाली दिखा रही हूँ कि कोमल की मुझे पसंद है, मैंने तब ये ली थी। हाँ जी, क्योंकि जाहली बात है जो मेरा ड्रेस था उसके साथ जब मेरा नेकलेस ये है तो फिर वो तो मैच नहीं था ना करनी, इस वजह से मैंने ये बाय की थी। इनके वो क्या कहते हैं नेकलेस भी ये मल्टी था, इस वजह से इन्होंने वो ली थी। हमारी एयरिंग्स का कलर भी बीच में मैच था, और ये भी मैंने वैसे ही रैंडम लिया था, और तब मैंने इनको मना किया था इतनी क्यूट है लेने दो फजूल में इस पे पैसे बर्बाद किए थे। फजूल पड़ा हुआ जस्ट, और ये मुझे अच्छा भी नहीं लगता माथा पट्टी, कसम से मुझे जहर लगती है। ये है जी सेट मेरी शादी का, ये बरात का। ये रैंडम भी डल सकता है। हाँ रैंडम भी डल सकता है। इसके साथ ये हैं एयरिंग्स, दीज आर एयरिंग्स उसके साथ। अच्छा जी, और ये साथ है इसके बिंदिया, और ये है साथ में इसके झूमर। झूमर भी वैसे अलग यूज हो सकता है कहीं पे भी। वो बंदा खाली इयररिंग्स और झूमर खाली जो हाँ। लगता है ना वो लगा ले। अच्छा जी, ये मेरी जो है ना ज्वेलरी कलेक्शन है बस जस्ट बस। ओके जी, तो आज का जो व्लॉग है वो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं, वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि हर न्यू वीडियो जो मैं लगाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।